दोस्तों आप अपने फ़ोन से ही घर बैठे पता कर सकते हैं आपकी बैंक का जो शिफ्ट कोड होता है वो कौन सा है। आप यदि YouTube पर Google AdSense YouTube से कनेक्ट कर रहे होंगे उसमें आपको शिफ्ट कोड डालना होता है तभी आपकी पेमेंट उसमें आती है अकाउंट में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3-4 चैनल मोनेटाइज किए हैं उनका मैंने शिफ्ट कोड बैंक में जाके बिल्कुल भी पता नहीं किया है, मैंने अपने फ़ोन से ही पता कर लिया कि हमारे बैंक का शिफ्ट कोड क्या है। बैंक में जाएंगे तो बैंक मैनेजर वगैरह नहीं जानते हैं ये क्या होता है शिफ्ट कोड, ठीक है। वो आपको प्रॉब्लम करते हैं ये कर लो वो कर लो, आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो आप अपने फ़ोन से ही क्रोम ब्राउज़र से ही शिफ्ट कोड करेक्ट पता कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको बताऊंगा कौन सा आपको अपनी बैंक के लिए शिफ्ट कोड डालना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बताते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन दबा को क्रोम ब्राउजर पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको शिफ्ट कोड इंडिया डालना है। क्या डालना है जैसे कि मैं अभी जूम करके आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल रखा है शिफ्ट कोड इंडिया, ठीक है। इस तरीके से बस इसी आपको सर्च करना है। तो चलिए इसे हम सर्च कर देते हैं आपके सामने ही, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से हमने यहाँ सर्च कर दिया। जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर की वेबसाइट मिलेगी, उस पर आपको क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे आपको एक नीचे की तरफ वेबसाइट मिलेगी, जैसे कि फिर से हम जूम करके आपको दिखा देते हैं, ये वेबसाइट है, इस तरीके से इसका लोगो नज़र आएगा आपको, ठीक है। अगर ये वेबसाइट आपको यहाँ शो नहीं हो रही तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी उस पर सीधा क्लिक करके यहाँ पे आप आ जाएंगे। इसी वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से एक इंटरफेस नज़र आएगा जहाँ पर आप इंडिया पहले से सिलेक्ट होगा, सिलेक्ट योर बैंक हेयर, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे अब यहाँ पे ढूंढना है आपकी बैंक कौन सी है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं हमारी बैंक कौन सी है। तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी बहुत सारी बैंक, ठीक है। आप अपनी बैंक को यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से ढूंढ लेना होगा आपको। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं मेरी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो इस पर हमने क्लिक कर दिया। इस तरीके से ये रिफ्रेश होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे बोलेगा सिलेक्ट योर बैंक हेयर, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि यहाँ पे जैसे कि हमारा मंडल है आगरा, ठीक है, आपका भी मंडल होगा, ठीक है। अगर मंडल नहीं है तो आपका यहाँ डिस्ट्रिक्ट जो भी हो, ठीक है, यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट देख लेना होगा या आपको अपना मंडल देखना होगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट या मंडल। तो जैसे कि हमारा मंडल आगरा है तो हमने आगरा पे क्लिक कर दिया। अब जैसे हमने आगरा पे क्लिक किया यहाँ पे हमारे सामने आ गया सिलेक्ट योर बैंक हेयर। अब हम इस तरीके से क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे आपकी होगा, यहाँ पे आपका जो भी होगा मेन ब्रांच होगा, इस तरीके से ईस्टर्न, इस तरीके से बैंक होगा इंडस्ट्रियल, ठीक है, SIB ब्रांच होगा। तो आपको यहाँ मेन ब्रांच पे क्लिक करना है, ठीक है। आगरा यहाँ पे मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच पे क्लिक करेंगे ये देखो आपके सामने शिफ्ट कोड आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कॉपी कीजिए, ये देखो कॉपी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से आप शिफ्ट कोड पता कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखो शिफ्ट कोड आपके सामने नज़र आ चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अभी अपनी बैंक का शिफ्ट कोड पता कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप पता नहीं कर पा रहे हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम की लिंक दी है, उस पर क्लिक करके आप हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा आपका क्लियर क्या होगा, ठीक है, शिफ्ट कोड। फिलहाल मैं इस वीडियो में विदा लेता हूँ। जय हिंद।